इसके बाद सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 40 जो बहुत मारका आ रहा है, मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातम नबीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम अंबिया पे मोहर हैं, आखिरी नबी है। मोहर किसी खत पे, डॉक्यूमेंट पे आखिरी चीज होती है। अजीजाने गरामी, कुरान मजीद में चार बातें हैं जिनको अगर इकट्ठे हम उन पर ध्यान दें तो पता चलता है कि खत्म नबूवत एक लाजिमा है। पहली बात यह है कि कुरान मजीद से पहले जितनी किताबें थीं या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी नबी तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए, वो अपने अपने इलाके, अपनी अपनी कौम और एक खास मुद्दत तक के लिए आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, रिसालत, आपका दीन और यह किताब कुरान मजीद किसी खास कौम, किसी खास इलाके और किसी खास वक्त के लिए नहीं बल्कि यह आफाकी है, तमाम इंसानों के लिए और हमेशा हमेशा के लिए। पहली बात। दूसरी बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी लीगल फ्रेमवर्क है, जो शरीयतें आई हैं, वो इर्तिकाई मनाजिल में थी और उनकी वजह से दीन तकमील पजीर था। जब हुजूर तशरीफ ले आए तो फरमा दिया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैं तुम्हारा दीन मुकम्मल करूं। नंबर तीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी दीनी किताबें आईं सब में तहरीफ कर दी गई, लोगों ने बदल डाला, एडिशंस अल्ट्रेशंस कर दिए। इस किताब पे आके, कुरान मजीद पे अल्लाह ताला ने आके कहा, अब तुम इसको बदल नहीं सकोगे, इसमें तहरीफ नहीं कर सकोगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये हमारी नसीहत है, आखिरी नसीहत है, देख लेना हम इसकी हिफाजत करके दिखाएंगे। अब जरा गौर फरमाइए, इंसान की तारीख में एक नबी के अलावा या एक नबी के बाद दूसरा नबी इन्हीं तीन वजूहात से आया है, या तो इसलिए आया है कि एक नबी किसी खास इलाके के लिए था, दूसरे इलाके के लिए नबी की जरूरत, एक नबी एक खास मुद्दत तक के लिए था, वो मुद्दत खत्म हुई, दूसरे नबी की जरूरत, यहां ये झगड़ा खत्म, फरमाया हमेशा के लिए आम है। नंबर दो, एक नबी के बाद दूसरा नबी इसलिए आता रहा कि शरीयत तकमील पजीर हो रही थी, इर्तिकाई मनाजिल तय कर रही थी, फरमाया कि मुकम्मल हो गई, इसलिए अब दीन मुकम्मल करने के लिए आइंदा किसी नबी की जरूरत नहीं, दूसरी बात भी खत्म हो। और आखिरी बात जिसके लिए एक नबी के साथ या एक नबी के बाद दूसरा नबी आता रहा है, वो इसलिए कि लोगों ने पहली दी हुई किताब में तब्दीलियां कर दी, दीन को बदल डाला, उसमें तहरीफ कर दी, जायज को नाजायज कर दिया, नाजायज को जायज कर दिया, अब उसको दुरुस्त करने के लिए दूसरे नबी की जरूरत पड़ती, फरमाया अब इसका भी कोई इम्कान नहीं, अब तुम दीन को बदल नहीं सकोगे, अल्लाह की किताब में तहरीफ नहीं कर सकोगे, एक शोशा एक जेर जबर भी इधर से उधर नहीं कर सकोगे। तो एक नबी के बाद दूसरे नबी आने के जो तीनों मवाक़े थे वो खत्म हो गए। तो चौथी बात आज खुद साबित कर दी, मा काना मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, इसलिए अब जैद बिन मोहम्मद को जैद बिन हारिसा कहा करो और वो रसूल अल्लाह हैं और नबियों पे खातम
نبوت کو ختم کرنے والے، نبوت کے نامے پہ مہر لگانے والے، اور ایک مرتبہ لفافہ سیل ہو جائے تو اس لفافے میں کچھ اور داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات بے شمار احادیث میں اور صحیح احادیث میں بیان کی گئی، کر دی گئی، او میں کہ انا آخر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا ایک عمارت نظر آ رہی ہے، اس کی ایک آخری اینٹ دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ خالی ہے، یار اگر یہاں اینٹ لگ جاتی تو عمارت مکمل ہو جاتی۔ فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اتنی احادیث اور اس قدر مختلف پیرائے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اس بات کی اب کوئی ایک فیصد بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم یہ مان۔ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے بعد 30 شخص آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ 1400 سال میں جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک اہم بات عرض کر کہ فقہا نے، علماء نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے گفتگو کرنا اور اس سے کسی قسم کی دلیل مانگنا اور اس کی گفتگو پہ غور کرنا کفر ہے۔ اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، نیگوشیبل نہیں ہے۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس کو دجال قرار دیں گے، ہم اس کو شیطان کا، کسی استعمار کا ایجنٹ قرار۔